अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका आरिफ सर और आज की ये वीडियो क्लास फर्स्ट के लिए है जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 1 हमने स्कूल में ही ख़त्म किया था, क्वेश्चंस भी ख़त्म किए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। तो इसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के हिस्से। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, चार जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं किसी भी कंप्यूटर के वो पढ़ने हैं, जिसमें आता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। और इसके अलावा भी दो हिस्से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के, जिसमें आता है प्रिंटर और स्पीकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से। तो मॉनिटर दिखाया गया है इमेज में। तो एक मॉनिटर होता क्या है? मॉनिटर एक स्क्रीन होता है, सिंपली जैसे टेलीविज़न स्क्रीन होता है हमारे घर पे, वैसे ही मॉनिटर भी एक स्क्रीन होता है। और ये भी हमें वही दिखाता है जो टेलीविज़न दिखाता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी मूवी देखनी हो हमारे कंप्यूटर पे, हम किसके ज़रिए देखते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर के ज़रिए। अगर हमें कोई भी इमेजेस फ़ोटोज़ देखने हो, हम देखते हैं मॉनिटर के ज़रिए। अगर हमें कुछ भी टाइप करना हो, वो दिखता है हमारे मॉनिटर पे, ठीक है। तो जब भी हम कभी ड्रॉ करते हैं, माउस की मदद से ड्राइंग करते हैं या कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो सारा जो है कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिखता है। और मॉनिटर के अपने भी बटन्स होते हैं, हर किसी मॉनिटर के अपने बटन्स होते हैं जिससे हम उसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहला पार्ट। और अभी है दूसरा, जिसका नाम है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड दिखाया गया है, हमने स्कूल में भी देखा है। कीबोर्ड क्या होता है? ये एक बोर्ड की तरह होता है, छोटा सा बोर्ड होता है जिस पे बहुत सारी छोटी छोटी कीज़ होती है। और इन्हीं कीज़ की मदद से हम क्या करते हैं? टाइप कर सकते हैं। अगर हमें अपना नाम लिखना हो कंप्यूटर पे, हम किसके ज़रिए वो लिखते हैं? कीबोर्ड के ज़रिए। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती है, जिसमें लेटर कीज़ होती है, नंबर कीज़ होती है, स्पेशल कीज़ होती है। लेटर कीज़ कौन सी कीज़ होती है? जो जहाँ पे ए बी सी डी लिखा हो अप जेड तक, वो लेटर कीज़ कहलाती है। और नंबर कीज़ वो कीज़ होती है जहाँ पे नंबर्स लिखे हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और स्पेशल कीज़ कौन सी कीज़ होती है? वो कीज़ जैसे कि शिफ्ट की होती है, एंटर की होती है, बैक स्पेस की होती है, स्पेस बार की होती है, कैप्स लॉक की होती है, ये सारी जो है किस में आती है? स्पेशल कीज़ में। और कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम इन्हीं कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो अगला वाला हिस्सा कौन सा है? माउस। तो माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और पॉइंटिंग डिवाइस क्या हुई? जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर पे, बहुत सारी फाइल्स होती है, फ़ोटोज़ होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। अगर हमें किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करना हो, उसे ओपन करना हो, हम क्या करते हैं? हम वो माउस की मदद से करते हैं। माउस के ऊपर दो बटन्स होते हैं जिसमें आता है राइट की और लेफ़्ट की। और इन्हीं बटन्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? ड्राइंग भी कर सकता हूँ, सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, ओपन भी कर सकता हूँ उन चीज़ों को जो हमें कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखे, ठीक है। और अगला वाला जिसे हम कहते हैं सीपीयू। और सीपीयू हमें पता है सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है, वो है सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जो दिमाग होता है कंप्यूटर का, वो होता है सीपीयू। क्यों?
क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारे काम जो होते हैं वो सीपीयू करता है, ठीक है, और बाकी सारे हिस्से जो होते हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, या इसके अलावा जो पार्ट्स है वो सारे किसके साथ इन कनेक्शन होते हैं, वो सारे जोड़े जाते हैं सीपीयू के साथ केबल्स के ज़रिए, ठीक है। और इसमें पावर की ज़रूरत पड़ती है तो पावर केबल भी इसमें होती है, जिसकी मदद से सीपीयू को पावर मिलती है, और जब पावर मिले तभी हमारा सीपीयू जो है काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जो बिजली पे चलती है, तो उसके लिए कंप्यूटर को पावर की ज़रूरत पड़ती है, और वो पावर उससे मिलता है किससे? पावर केबल के ज़रिए, ठीक है। तो अभी होम असाइनमेंट आपके लिए ये है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, इनको आपने पूरा करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ब्रेन, मोनीटर, क्लिक, सीपीयू और टाइप, और 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स में इनको क्या करना है, प्लेस करना है, फिल करना है। तो पहला वाला मैं समझा देता हूँ, द कीज़ ऑन द कीबोर्ड हेल्प टू, यानी कि जो कीबोर्ड पे कीज़ होती है वो किस काम आती है। तो दूसरा वाला है, वी कैन सेलेक्ट पिक्चर्स विद द डैश ऑफ द माउस, यानी कि हम पिक्चर्स को, फोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं किससे? माउस से। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको खुद ही देखना है। और तीसरा है, द डैश शोज ऑल दैट वी टाइप और ड्रॉ ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि डैश में फिलअप करना है इन ऑप्शंस में से एक, जो दिखाता है जो भी मैं टाइप करता हूँ, जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ कंप्यूटर पे, वो उसे डिस्प्ले करता है, दिखाता है। और चौथा जो फिल इन द ब्लैंक है वो है, द सी पी यू इज़ नोन एज द डैश ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सी पी यू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो कंप्यूटर का क्या होता है। और पांचवा है, द मोनीटर कीबोर्ड एंड माउस आर कनेक्टेड टू द डैश विद केबल्स, यानी कि मोनीटर यानी कि बाकी हिस्से, मोनीटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है, वो केबल्स के ज़रिए हम कनेक्ट करते हैं किसी एक हिस्से के साथ, वो हिस्सा हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में जो रिमेनिंग सेक्शन है इसका, वो हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ फाइल के ज़रिए। उसको आपने, उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है, मेमोराइज़ करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।